एमसीडी चुनाव को बहुत कम वक्त रह गया, ऐसे में सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। खुद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद मुखिया है वो आए, रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया। मेरे साथ गोपाल राय जी है, ना सिर्फ दिल्ली सरकार मंत्री है बल्कि दिल्ली के संयोजक भी है। माहौल तो अच्छा जमा लिया, क्या परिणाम में बदलेगा ये? निश्चित रूप से लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है और जो वो दिख रहा है भाजपा के कैंपेन में, पहले भाजपा ने बहाने मारने की कोशिश की, लगा फेल हो जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने पूरा फौज पाठा इकट्ठा किया है वो दिखा रहा है कि कहीं न कहीं जनता के अंदर बदलाव का मूड बन चुका है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग नगर निगम में काम चाहते हैं, जिसमें भाजपा पूरी तरह से फेल हुई है। बीजेपी कह रही है, जो आपने आरडब्ल्यूएल में बात की है कि वो गुफा है, इससे पहले मोहल्ला सभा की बात की थी, वही पूरा नहीं किया। देखो दिल्ली के लोगों को पता है, वो तो दिल्ली के लोग तय करेंगे कि बिजली कहा तो किया कि नहीं किया, पानी कहा तो किया कि नहीं किया, स्कूल कहा तो किया कि नहीं किया, अस्पताल कहा तो किया कि नहीं किया, मोहल्ला किया कि नहीं किया, ये तो पब्लिक फैसला करेगी। बीजेपी की बेचैनी दर्शा रही है कि कहीं न कहीं लोगों में इसका रिस्पॉन्स है। केजरीवाल साहब ने भी बोला होगा कि चार बार योगी को भी याद किया, कहा कि इतने मंत्री इतने मुख्यमंत्री आ गए हैं, आज कैसे याद आ गए? देखो वही बात है ना कि 15 साल में इन्होंने कुछ भी किया होता तो इतनी बेचैनी नहीं होती। उनको लगता है कि हम 15 साल कुछ नहीं करेंगे और देश भर के नेता इकट्ठा कर लेंगे और पब्लिक वोट दे देगी। ये तो 4 तारीख को सारे नेता भाग जाएंगे दिल्ली छोड़ के। अगले आखिरी सवाल मेरा, योगी जी गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्हें गोधा याद आया, उन्होंने कहा कि 20 साल पहले राम भक्तों की यहाँ पर जो है उनकी हत्या हुई थी और कांग्रेस के टाइम में आतंकवाद की बात होती थी, कि गोधरा याद आया, इसको कैसे लेते हैं? हम तो एक ही बात सोच रहे हैं और पूरी दिल्ली यही सोच रही है कि 4 तारीख के बाद हमारी गली की सफाई कौन करेगा, 4 तारीख के बाद दिल्ली का कूड़ा का पहाड़ कौन हटाएगा। अभी तो सबके दिमाग में एक ही बात भरी है, क्योंकि 4 तारीख के बाद फिर 5 साल लोगों को भुगतना है, इसलिए सब छोड़ के लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि 5 साल हमारी गली साफ होगी कि नहीं होगी। एक ही दिमाग में सबके बात चली और मेरे दिमाग में यही बात चली। आपके दिमाग में देखिए, भले ही बीजेपी अलग अलग मुद्दों पर बात कर रही हो, लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ कूड़े की बात कर रही, सफाई की बात कर रही है और इसी बात को लेकर कह रही है कि अब 4 तारीख को जब वोटिंग होगी तो जनता अपना मत साफ करेगी और उम्मीद है कि दिल्ली में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को एक मौका मिलेगा। अपने के साथ दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर, वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।